नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी विल्मार के बारे में। अडानी विल्मार डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा, ये नया भी लिस्टिंग हुआ है आपका मार्च महीने में। सो इस स्टॉक के बारे में हम समझेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, फिगर आउट करेंगे, क्योंकि न्यूली लिस्टेड स्टॉक है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसका इंडस्ट्री आउटलुक कैसा है, और ये स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है एक्चुअली, मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था। सो इसके बारे में, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस ओवरव्यू। सो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना आप कीजिए। अगर आपका कोई भी स्टॉक अगर देखना चाहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ये स्टॉक मैं पहली बार देखूंगा, सो आई डोंट नो मच अबाउट इट। सो एंड ऑफ द वीडियो में आपको पता चल जाएगा, अगर आप सोचे कि मुझे कंफ्यूजन मतलब बॉटम लाइन बताइए तो वीडियो के एंड तक चले जाइए, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा एंड वहाँ पे मेरा जो फीडबैक आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे पहले अभी हम चले जाएंगे स्क्रीनर में जाकर, अभी सबसे पहले बीएससी के वेबसाइट में चले जाएंगे। बीएससी क्योंकि ये नया स्टॉक है तो यहाँ पे कोई फंडामेंटल एनालिसिस वैसा कुछ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी चलिए स्क्रीनर में जाके चेक कर लेते हैं। स्क्रीनर अगर आपको पता नहीं, स्क्रीनर इज अ वेरी नाइस वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप डेफिनेटली इसके बारे में इस वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं अपने फेस को थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से स्क्रीन में से। सो अडानी विल्मार डेफिनेटली आपने फॉर्च्यून रिफाइन ऑयल ऐसे आपने आपके बारे में सुना होगा। तो ये बेसिकली आपका FMCG गुड्स आपका बेचता है। FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो भी कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में, जैसे कि तेल, आटा, बिस्किट, ये सही ऐसे टाइप का जो खाने का टाइप का होता है। तो अडानी विल्मार इज अ फूड कंपनी दैट ऑफर्स मोस्ट एसेंशियल किचन आइटम्स सच एज एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, शुगर्स। आर प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड अंडर डाइवर्स रेंज और पैरेंट एंटिटीज जो है AWL इज अ जॉइंट वेंचर इनकॉर्पोरेटेड, मतलब अडानी विल्मार 1999 का, मतलब 20 साल पुराना, 22 साल पुराना कंपनी है, 23 साल पुराना कंपनी है, MNC है, और विल्मार ग्रुप और अडानी ग्रुप दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। एंड इसका जो इनकम होता है 65% जो होता है वो एडिबल ऑयल से होता है। एडिबल ऑयल मतलब राइस ब्रैन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मतलब डेफिनेटली आपने इसका अक्षय कुमार बहुत सारे इसका ऐड करते हैं, और सौरभ गांगुली ने भी इसका ऐड किया था। और उसके बाद जो है इनका जो फॉर्च्यून ब्रांड है, इन्होंने इसको तैयार किया, उसके अंदर ये सारे जो है वो सेल करते हैं। पैकेज्ड फूड यानी FMCG में जो है ये सेल कर रहे हैं। इन्होंने 2013 में इसको शुरू किया था, 2013 मतलब 1999 में इन्होंने कंपनी शुरू किया था। 2013 में उन्होंने FMCG मतलब ये बिस्किट ये सारा जो चीज़ है उसमें ये लोग आए थे, इंडस्ट्री एसेंशियल्स, जैसे आपका जो बाई प्रोडक्ट होता है जब आप तेल को निकालते हैं, तेल छानते हैं, तो उसमें से बाई प्रोडक्ट जो निकलता है वो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है और जानवर को खिलाने के लिए फॉडर के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑलियो केमिकल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेरियरिक एसिड एंड ग्लिसरीन इन इंडिया विद अ मार्केट शेयर ऑफ 23% and 32%, व्हिच इज रियली रियली नाइस। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। एंड ओके, मतलब मेनली इनका 73% जो होता है एडिबल ऑयल से होता है, एंड फूड एंड FMCG, ठीक है। मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज 22 इन लोगों का प्लांट्स है अक्रॉस द स्टेट, एंड दे हैव 19 रिफाइनरीज एंड 8500 मेट्रिक टन पर डे एंड 16283 मेट्रिक टन पर डे क्रशिंग एंड रिफाइनरी। ओके, दैट्स परफेक्टली ग्रेट। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्योंकि मेन होता है कि जो भी बिजनेस होता है उसमें मेन होता है कि आपका मैनुफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी हम यहाँ पे देखेंगे। हैज 5590 डिस्ट्रीब्यूटर लोकेटेड इन 28 स्टेट्स एंड मतलब 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब ऑल ओवर इंडिया इसका जो मटेरियल है वो सेल करते हैं, एंड केटरिंग टू 16 लाख रिटेल आउटलेट्स। आप देखने से आपको पता चल जाएगा मोटामोटी, एंड इट रिप्रेजेंट्स 35% ऑफ द टोटल रिटेल आउटलेट्स इन इंडिया। 7.4% इज रेवेन्यू एंड फॉरवर्ड, मतलब यहाँ पे जैसे आप समझ पा रहे हैं कि दिस इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब होता है कोई भी मैनुफैक्चरिंग का बैकवर्ड मतलब होता है कि कहाँ से माल मतलब कच्चा माल आएगा और कच्चे माल को हम कैसे फाइनल गुड्स में तैयार कर सकते हैं, और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट को जो मैंने रेडी बना दिया उसको मैं कैसे बेचूंगा, यानी मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोनों को इन्होंने करके रखा हुआ है, दट इज द ये कंप्लीट हो जाता है, देन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। आप अपने से अपना जो माल है उसको बना सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं। और IPO क्यों इन्होंने किया है, हमें जब भी हम नए कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, जब भी हम नए कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि भाई रीजन क्या है, मतलब हम क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब क्या इसका मतलब। जब भी कोई कंपनी IPO करता है तो IPO का मेन रीजन होता है, एक तो होता है कि करंट जो इन्वेस्टर्स उनको एक एग्जिट देना, दूसरा हो जाता है कि मार्केट से पैसा उठाना, कैपिटल उठाना, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा IPO से क्या करना चाहते हैं ये लोग, 3600 करोड़ जो है वो IPO से उठाना चाहते हैं, फ्रेश इशू मेड बाई द कंपनी। एंड यहाँ पे ये पैसा कहाँ पे यूज होगा, 1900 करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, एंड रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स मतलब 1059 करोड़ इनका जो बोरिंग था और वहाँ पे वो उसको रीपे करेंगे पैसा उठाकर, और 450 रुपये जो है वो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट होगा, रिमेनिंग विल बी यूज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो बेसिकली कंपनी को थोड़ा सा उसका डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए वो यूज करना चाहते हैं, एंड कैपिटल मतलब के कैपेक्स के लिए बेसिकली कंपनी के लिए, कंपनी को ग्रो करने के लिए जो भी पैसा चाहिए था 1900 करोड़ रुपये जो है वो पैसा उठाकर अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए चलाने के लिए बेसिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ दिस IPO। अभी आपको समझ में आ गया IPO क्यों लॉन्च किया इन लोगों ने, IPO इसलिए लॉन्च किया क्योंकि उनको कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए, विच इज परफेक्टली फाइन। सो यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हैं कि आपका जो 28 मार्च से यहाँ पे चार्ट है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप जैसे देख पा रहे हैं, ये सारा जो एरिया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस एरिया इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा कि हाउ पंप एंड डंप वर्क्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आप बुल और बियर में पिसना नहीं चाहते। बुल और बियर में बेसिकली होता है, बुल मतलब होता है कि जो कंपनी के शेयर्स को गिरा रहे हैं मतलब शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट सेल कर रहे हैं वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, और बुल जो होता है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये स्टॉक ऊपर बढ़ना चाहिए। तो केतन पारक और ये जो स्कैम वैम हुआ था, तो उस चक्कर में आपको नहीं फंसना है, आपका टारगेट होना चाहिए कि कैसे मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं कंपनी को बेहतर समझ सकता हूँ, कंपनी बेहतर समझ के बेहतर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सो लॉन्ग टर्म में मेरा कैपिटल अप्रिसिएशन एंड डिविडेंड भी मुझे मिले। सो अभी हम लोग इसको अगर चेक करते हैं, सो चलिए यहाँ पे अगर हम मूव करते हैं, सो जैसे आप देख पा रहे हैं कि हाउ पंप एंड डंप वर्क्स, दिस इज अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हाउ पंप एंड डंप वर्क्स। तो डेली का अगर हम चार्ट यहाँ पे ओपन अप कर लेते हैं, सॉरी एक मिनट का चार्ट में अगर ओपन अप कर लेता हूँ, एक दिन का प्राइस मूवमेंट मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे क्या हो रहा है। सो अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है,
प्राइस मूवमेंट यहाँ पे टाइम आपको देखने को मिलेगा। टाइम यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं, मेरा अगर फेस यहाँ पे है सो आई जस्ट मूव माई फेस फ्रॉम हियर। सो मार्केट कितने बजे खुलता है? 9:15 में मार्केट खुलता है। तो यहाँ पे आपका 5 तारीख, जैसे आप देख पा रहे हैं, RSI नीचे जो है ये RSI है, RSI मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी 5 तारीख को, मतलब 5 तारीख के पहले वाले दिन 4 तारीख को ये अंडर बॉर्ड जोन में आ गई, क्लोज हुआ था, ये भी फिर अंडर बॉर्ड जोन में आ गई क्लोज हुआ था। ये प्राइस मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, एवरेज प्राइस, आई थिंक दिस इज एवरेज, हाँ एवरेज RSI है। सो फिर 5 तारीख को जब सुबह ये खुला 9:15 को, देखिए अचानक से ये जंप किया, अचानक से जंप किया क्योंकि लोगों ने बहुत यहाँ पे बाई किया। ठीक है, बाई करने से क्या होता है कि डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से आपका जो वॉल्यूम प्राइस है वो बढ़ता है, तो प्राइस बढ़ गया। फिर यहाँ पे आके सेल हो गया, सेल होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए एकदम सीरीज में आपका जो है यहाँ पे सेल हो रहा है। तो सेल होने से क्या होता है, सेल होने से होता है कि भैया आपका जो प्राइस है, मतलब जो स्टॉक का प्राइस है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है, जो वो स्टॉक का प्राइस, क्योंकि सेल हो रहा है, स्टॉक का प्राइस जो है वो गिर रहा है। यहाँ पे RSI भी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे गिर रहा है, ये गिरता गया, ये मतलब देखिए विदिन 5 मिनट्स के अंदर आपका जो है स्टॉक पंप करके डंप कर दिया, और ये पूरा दिन आपका साइडवेज आपका चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। और फिर आपका फिर से यहाँ पे परचेज हुआ, परचेज होने के बाद प्राइस बढ़ा, फिर अचानक से किसी ने यहाँ पे सेल कर दिया, फिर देखिए RSI जो है नीचे गिर गया, मतलब प्राइस भी जो है वो नीचे गिरेगा। यहाँ पे कितना था, 577, यहाँ पे 571 पे आ गया। तो यहाँ पे अगर हम अगर इवनिंग में जाते हैं तो यहाँ पे सब देख पा रहे हैं कि 12:40 को किसी ने एक ब्लॉक परचेस किया था, तो अचानक से इसका जो प्राइस है 500 578 से 579 तक गया है। फिर यहाँ पे बहुत ही हल्का फुल्का परचेस हो रहा था, मतलब यहाँ पे भी डंप नहीं हो रहा था, यहाँ पे हल्का फुल्का परचेस हो रहा था। तो ऑलरेडी RSI जो है वो नियर अबाउट 65 के 67 के रेंज में आ गया था। ठीक है, हल्का फुल्का परचेज हो रहा है, यहाँ पे हल्का फुल्का परचेज हो रहा है, और डे यहाँ पे खत्म हो जाता है। जैसे आप देखो 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, 3:30 बजे जो है मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। नेक्स्ट यानी 6 तारीख को किसी ने यहाँ पे बहुत बल्क ऑर्डर मार्केट रखा हुआ था, बल्क ऑर्डर मार्केट रखा हुआ था, हाई मतलब बड़ा एक ब्लॉक जो है उसने यहाँ पे बल्क ऑर्डर मार्केट रखा हुआ था। तो जैसे ही अगले दिन जो है 9:15 बजे 9:15 को जो मार्केट खुला, देखिए अचानक से जंप मारा, यहाँ पे कितना था, 580 गया 603 पे, मतलब 24 रुपीज़ जो है आपका जंप हो गया, विच इज क्वाइट अ लॉट। 5% इनिशियली जंप किया, फिर जंप करने के बाद ही किसी ने इसको डंप कर दिया। देखो आप कैसे पंप और डंप काम करता है। आपको यहाँ पे जब आप रिटेल इन्वेस्टर है ना, आपका टारगेट होना चाहिए कि कैसे मैं एवरेज में पैसा कमा सकता हूँ। आप शॉर्ट टर्म करो, लॉन्ग टर्म करो, मिड टर्म करो, कुछ नहीं मैटर करता है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इसमें फंसना नहीं चाहते हो। अगर आप देख रहे हो कि भाई कैपिटल ऊपर नीचे हो रहा है, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको देखना है कि भैया मेरा कंपनी का फंडामेंटल्स ठीक है या नहीं, टेक्निकल ठीक है या नहीं, फिर उसके बाद मैं जाकर मार्केट में घुसूंगा। ये चीज मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपको यह समझना है कि भाई कैसे चार्ट मूव करता है, कैसे एक स्टॉक जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ पे देखो अभी पंप कर रहे हैं, अचानक से यहाँ पे डंप कर दिया। ये देखो आप 608 606, यहाँ पे आपको लग रहा हो 2 रुपये पर, अगर आप 10 लाख शेयर लेके बैठे हुए हो तो ये चीज मैटर करता है। फिर RSI देखिए एकदम ऊपर चला गया, ओवरबॉट जोन में है। फिर से किसी ने यहाँ पे हल्का हल्का एक्युमुलेशन करके फिर से यहाँ पे डंप कर दिया, हाई वॉल्यूम में डंप कर दिया। RSI देखो नीचे कहाँ गया, 35 पे आ गया। फिर से किसी ने यहाँ पे हल्का ब्लॉक परचेस किया, फिर से डंप कर दिया, फिर यहाँ पे ब्लॉक परचेस किया। यहाँ पे बेसिकली बेयर और बुल के बीच में जो है झगड़ा, मतलब जो है पुश एंड पुल चल रहा है। यहाँ पे देखिए लार्ज ब्लॉक किसी ने परचेस किया, तो ये दिन का एक दिन का मैं आपका जो है यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। उसी दिन आपका देखिए मार्केट क्लोज हो गया, चलो कोई बात नहीं, मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ, 608 पे, और नेक्स्ट दिन भी किसी ने यहाँ पे पंप किया, 608 से चला गया 640। तो इसी तरीके से यहाँ पे स्टॉक का जो मैनिपुलेशन किया जा रहा है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नहीं तो क्या होगा, आप इन्वेस्ट किया जाएंगे, यहाँ पे देखो ये मैनिपुलेशन हुआ, यहाँ पे ये मैनिपुलेशन, पंप एंड डंप हुआ, ये पंप एंड डंप हुआ, ये पंप एंड डंप हुआ, आपको समझिए ये पंप एंड डंप है। यहाँ पे देखिए आप वॉल्यूम अगर चेक करेंगे ना, वॉल्यूम देखने से आपको पता चलेगा कितना वॉल्यूम हो रहा है। यहाँ पे पंप एंड डंप हुआ तो आप यहाँ पे पंप हो रहा है, फिर डंप कर रहे हैं, तो ये सब चलता रहेगा। ठीक है, दिस इज पार्ट एंड, क्योंकि नया स्टॉक है, लोग ऐसा करेंगे, IPO से निकला है अभी ये कंपनी, सो लोग करेंगे ऐसे, यहाँ पे भी पंप एंड डंप हो रहा है, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। बट आपका टारगेट ये होना पड़ेगा, डोंट गेट टू मच एक्साइटेड, लाइक मेरा कैपिटल डूब गया, डोंट डू दैट, इट विल बी फाइन। अभी कंपनी के फंडामेंटल्स में आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फाइबोना की आपका रिट्रेसमेंट करके हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई ये जो ब्लॉक जो मूवमेंट हो रहा है ये कहाँ पे जाने वाला है, कैसे मूवमेंट करेगा, नहीं मूवमेंट करेगा, सो आपको एक पता चल जाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो अभी इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, विल नॉट डू टेक्निकल एनालिसिस, बट हम समझेंगे कि हाउ द स्टॉक इज यू नो वर्किंग राइट नाउ। तो RSI के हिसाब से अगर आप चेक करते हैं यहाँ पे, RSI जो है, RSI देखने से आपको क्या पता चलता है, ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में 100 मतलब सीलिंग में चला गया, स्टॉक नहीं है मार्केट में, फिर किसी ने यहाँ पे डंप कर दिया, मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं है बट इट इज राइट नाउ कंप्लीटली ओवरबॉट जोन, फिर किसी ने यहाँ पे मतलब अचानक से छोड़ दिया। यहाँ पे देखो एक भयानक स्पाइक हो रहा है, यहाँ पे कितना 640 में था, 610 में आ गया, किसी ने यहाँ पे पूरा छोड़ दिया मार्केट को, फिर से यहाँ पे वो आ गया एवरेज, फिर से किसी ने यहाँ पे छोड़ दिया, फिर से किसी ने यहाँ पे भयानक पूरा भयानक पंप एंड डंप यहाँ पे हो रहा है। मंडे को जब आप देखेंगे 11 तारीख को जब खुलेगा ना, तब देखेंगे पूरा उछाल मारेगा ये, ठीक है, फिर से वो गिरेगा। सो दिस इज परफेक्टली फाइन, सो लेट अस अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। तो ये लार्ज कैप है 71,000 करोड़, मतलब आपका इसने ऑलरेडी मार्केट से उठाया, मार्केट कैपिटल है, PE is 109, इंडस्ट्री PE is 28, सो इट इज राइट नाउ वेरी ओवरवैल्यूड, कंपनी का बुक वैल्यू इज 23, अभी करंट प्राइस इज दिस। आपको क्या लग रहा है, ओवरवैल्यूड है कि अंडरवैल्यूड है? डेफिनेटली ओवरवैल्यूड है, डिविडेंड पता नहीं क्योंकि नया कंपनी ROC 24, डेट है 1900 करोड़, क्योंकि इसी पैसा को लेकर वो उसको सेटल करेंगे, दैट इज वेरी गुड। एंड एंटरप्राइज वैल्यू इज दिस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैश हाथ में है इनका 1100 करोड़, सेल्स क्वार्टर 13,000 करोड़, तो चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं, चार्ट एनालिसिस, वो तो चार्ट आप समझ गए, 50 DMA और 200 DMA को अगर हम देखते हैं तो इट इज वे ओवर प्राइस्ड। आपका जो 50 DMA है वो कितना है, 50 DMA 399, 200 DMA 314, सो नियर अबाउट 314, दिस इज वेयर इट शुड बी, यू नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, बट उस वैल्यू में आएगा तो एटलीस्ट इट विल बी मच मोर फीजिबल एंड विल बी अ बेटर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस स्टॉक। पी रेशियो अगर हम चेक करते हैं तो नया कंपनी है, हमें पता नहीं चलेगा, उसको थोड़ा सा परफॉर्म करने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। कौन भरा हुआ है, प्रोज है, सो यू नो अभी इसको कंसिडर नहीं करेंगे। रुचि सोया भी लिस्टिंग हुआ है, सो विल डू स्टॉक एनालिसिस, अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। यहाँ पे कंसोलिडेटेड अगर हम चेक करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी देखें, फायदा नहीं है, अभी हम बात
करेंगे बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में अगर हम देखते हैं तो बैलेंस शीट में मूवमेंट कैसे हो रहा है 2017 से अगर हम देखते हैं तो कैश रिजर्व्स हैज गॉन अप विच इज गुड, बोरिंग्स हैज ऑल्सो गॉन डाउन विच इज रियली गुड, अदर लाइबिलिटीज क्या है, ट्रेड पेबल्स हैज गॉन डाउन एंड अदर लाइबिलिटी आइटम्स, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि अदर लाइबिलिटी आइटम्स क्या है, क्योंकि 7,000 करोड़ का अदर मतलब बिलियन डॉलर अदर लाइबिलिटीज है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भैया इसका अदर लाइबिलिटीज क्या है, किस पे इसने पैसा जो है रखा हुआ है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज 500 करोड़ विच इज फाइन मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स लेना चाहते हैं, तो दैट इज परफेक्टली फाइन, दैट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल, फिक्स्ड एसेट्स आर दिस थिंग्स, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा। सो करेंटली कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है, आपका 2017 में -1 करोड़ था, पॉजिटिव और 2020 में भी इसको पॉजिटिव किया गया, क्योंकि IPO के पहले आपको थोड़ा सा पॉजिटिव करना पड़ता है सब कुछ। सो आई होप द बुक्स आर नॉट कुक्ड, सो मतलब ये एक कंसर्निंग है। सो अभी 289 करोड़ इसका नेगेटिव में है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड एसेट्स, इसने बहुत सारे परचेज किया, मोस्ट प्रोबेबली कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्रीज ये सारी चीज़ें होंगी एंड इन्वेस्टमेंट परचेज इन्वेस्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओके फाइन। रेशियो हम देखते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल भी इसका बड़ा हुआ है, मतलब 2019 में इसको पैसा पहले मिल जाता था, अभी कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब इसको 60 दिन बाद, मतलब आज माल निकालेगा तो आज माल बनाने के बाद 2 महीने बाद उसको पैसा मिलेगा, सो दिस इज लाइक ठीक है। डेटा डेज इज 15, इन्वेंटरी डेज इज 55 डेज, तो ज़्यादा फास्ट पीस का जो प्रोडक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है, वो बैठा हुआ है वेयर हाउस में 55 दिन के लिए, उसके बाद वो मूव कर रहा है। डेज पेएबल इज 11, ROCE जो है वो 24% के हिसाब से है। तो अभी हम लोग बात करते हैं रेटिंग चेक कर सकते हैं हम लोग, रेटिंग डेफिनेटली हमें चेक करना चाहिए, रेटिंग जो है पॉजिटिव है मतलब ये आपका डिफॉल्ट नहीं करेगा, ठीक है, डिफॉल्ट नहीं करेगा, रेटिंग इज फाइन। अभी हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में, ऑपरेटिंग मार्जिन 3.5%, आपको ये समझना पड़ेगा कि FMCG में ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत कम रहता है, और नेक्स्ट इसका जो कंपनी होता है इसका जो कंपटीटर है HUL में हम जाते हैं, HUL में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, वहाँ पे जाने से हमें इसका ऑपरेटिंग मार्जिन देखो, यहाँ पे 24% उसका ऑपरेटिंग मार्जिन है, इसका 3.5% ऑपरेटिंग मार्जिन उसका इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो दूसरे मतलब बात ही मतलब कपड़ा वपड़ा सर्फ का उस डोमेन में भी है, FMCG में प्योरली नहीं है, वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इस जगह पे आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया ऑपरेटिंग मार्जिन इसका 24% यहाँ पे 4% विच इज़ वेरी 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 स्लिम, एंड जैसे आपका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा वो भी बहुत कम होगा। अगर हम दूसरे कंपनी के साथ चेक करते हैं एग्रोटेक मतलब मनोरमा इंडस्ट्रीज एंड इसका भी ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा है, एग्रोटेक का भी आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखो बहुत स्लिम है, बहुत स्लिम है। रुचि सोया का ऑपरेटिंग मार्जिन देखो 6% है, बहुत ही स्लिम इसका मार्केट है ऑपरेटिंग मार्जिन। सो ऑपरेटिंग मार्जिन स्लिम होने का मतलब ये नहीं कि बहुत खराब है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन स्लिम होने का मतलब होता है कि उसको बहुत ही लार्ज स्केल वॉल्यूम में माल निकालना पड़ेगा, उसका लार्ज स्केल में निकलेगा तब वो जाकर प्रॉफिट कमाएगा। सो दिस इज वेयर माय कंसर्न इज, FMCG डाइवर्सिफाई होगा दैट इज परफेक्टली गुड, बट अगर बहुत ही नीच हो जाता है कि हाँ फूड आइटम एडिबल है तो वो 75% आपने ऐसे देखा 73-75% एडिबल ऑयल से आता है, एडिबल ऑयल बाहर के मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वहाँ से रॉ मटेरियल आएगा फिर मूव करना है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ेगा, सो बहुत आपका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बहुत स्लिम होता जा रहा है, और लोकल मैन्युफैक्चर के साथ भी आप कंपीट करो, सो दिस इज समथिंग दैट आई एम वेरी कंसर्न अबाउट। सो ये था मेरा एनालिसिस, आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से दिस इज वेट एंड वॉच, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक का बहुत भयानक मैनिपुलेशन हो रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं पंप एंड डंप बहुत हो रहा है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस स्टॉक बिकॉज अभी मैं इसको टाइम दूंगा इसको मैच्योर होने के लिए, बिकॉज इसका जो प्रीवियस 5 साल का जो 2017 से जो बिजनेस बैलेंस शीट देख रहे हैं दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी कन्विंसिंग, मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। अगर आपने पैसा लगा दिया तो आप वेट कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि भाई जितना कम, क्योंकि यहाँ पे बहुत अप्स एंड डाउन हो रहा है, थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए उस स्टॉक को, क्योंकि कंपनी जो है इट इज अ वेरी ओल्ड कंपनी, इट इज वेरी रिलायबल कंपनी, क्रेडिट रेटिंग भी अच्छा है और वो पैसा ऑलरेडी उसने उठा लिया है, तो अपना डेट रीस्ट्रक्चरिंग वो आराम से कर पाएगा, कोई इशू नहीं होगा, बट यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म मुझे कितना रिटर्न देने वाला है, क्योंकि इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्लो है। नेक्स्ट अगर ये अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई कर रहा है, उसको ग्रो कर रहा है HUL जैसा, देन वी विल बी मोर इंटरेस्टेड, अगर नहीं कर रहा है देन वी हैव टू कंसीडर कि उसका ऑपरेटिंग मार्जिन वो कैसे बढ़ा सकता है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम और इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसको कम कर रहा है, वी हैव टू लुक इनटू दैट। सो दिस इज वेरी डाइसी मोमेंट, बट ओवरऑल हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, हमारा रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, सो इसका पॉजिटिव ही होगा, बट कितना पॉजिटिव होगा उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, और यहाँ पर स्टॉक मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट इज वेयर आई एम कंसर्न अबाउट। सो आई होप दिस वीडियो भाई वाज यूजफुल एंड आपका क्या फीडबैक है मुझे बताइएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे इन्वेस्टेड, कीप इन्वेस्टिंग, मेक मनी, बी रिच, दैट्स इट।